विकास यात्रा के द्वितीय चरण में अटल विकास रथ लेकर प्रदेश का भ्रमण कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बलरामपुर जिले पहुंचे। जिले के रामानुजगंज हाई स्कूल मैदान में रमन ने आयोजित विकास यात्रा के आम सभा में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 192,09,00,000 के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उपस्थित भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है और लगातार विकास के काम हुए हैं। सीएम ने 192 करोड़ के विकास कार्यों में चटकपुर और वाटफनगर में 132 केवी दो विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा कई अन्य कार्य शामिल हैं। रमन सिंह ने विकास यात्रा के दौरान लोगों से अपील किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उनकी ही पार्टी को वोट दें और 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को जीत दिलाएं। रमन सिंह ने कहा कि बलरामपुर जिले का जब निर्माण हुआ था तब उन्होंने उसके विकास की जो कल्पना की थी आज वो साकार होता दिख रहा है। जिला बनने के 6 साल में भी बलरामपुर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है और सरकारी योजनाओं से लोग पूरा लाभ ले रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान सम्मिलियन हुए शिक्षा कर्मियों ने भी रमन सिंह का महामाला पहनाकर उनका सम्मान किया। रमन सिंह ने कार्यक्रम के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के स्लोगन से कार्यक्रम का समापन किया। आया हूं और आज मुझे जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊर्जा दिख रही है, जो इस क्षेत्र में विकास के कामों के प्रति आपका रुझान दिख रहा है, आज मुझे यहां की उपस्थिति और ऊर्जा देने के इस बात का एहसास है कि जो पिछले बार जो कमी रह गई थी इस बार 2018 में कमी को आप दूर कर देंगे और आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद सहयोग समर्थन मिलेगा कि 6 साल इतना बड़ा परिवर्तन रामानुजगंज और बलरामपुर में हो सकता है, इतने विकास के काम हो सकते हैं कि आज एक स्थान में एक ही जगह 88 करोड़ का भूमि पूजन और 125 करोड़ का लोकार्पण, 214 करोड़ का काम एक स्थान में एक जगह हो रहा है। ये जिले के निर्माण के बाद विकास कामों की जो श्रृंखला हुई, जो सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में विकास के जो काम हुए, आज मैं कह सकता हूँ जिले की स्थापना के बाद 35 विभाग जिस जिले में कार्यरत हो, जहां सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, आज ये जिला तेजी के साथ विकसित होते जिले की दृष्टि से आ चुके हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और यहां भी इस क्षेत्र में भी कमल खिलाने का संकल्प लेकर दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए और ये विश्वास दिलाइए कि क्षेत्र में भी कमल खिलेगा। 2018 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 में बनेगी और 19 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे आपके आशीर्वाद से। ये विकास यात्रा में यही आग्रह, यही चर्चा करने आपके बीच आया था। आप सबकी